एंड सो हे गाइस यार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं एक रियलिस्टिक सा आई ड्रॉ करने वाला हूँ। तो गाइस मैं आईज ड्रॉ करने का बेसिक सा टेक्निक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं दो आईज ड्रॉ करने वाला हूँ। ऊपर में गाइस मैं काफी ज्यादा जल्दी जल्दी ड्रॉ करूंगा एंड नीचे में मैं काफी ज्यादा टाइम देकर ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस जितने बिगिनर्स होते हैं अपने स्केचेस आईज वगैरह ड्रॉ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं दो आईज ड्रॉ करने वाला हूँ। एक आईज में काफी ज्यादा जल्दी ड्रॉ करूंगा, एक आईज में काफी ज्यादा टाइम देकर ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रिड मेथड लिया है। ऊपर में तीन बॉक्स है, नीचे में भी तीन बॉक्स, तो एक बॉक्स है दो दो सेंटीमीटर का। तो हाँ, मैंने ग्रिड लाइन क्यों लिया है, क्योंकि ग्रिड लाइन में आउटलाइन वगैरह ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैंने ग्रिड लाइन को लिया है। एंड गाइस अभी मैं बिल्कुल ऊपर नीचे सेम टू सेम गाइस मैं आउटलाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर गाइस मैं ऊपर की साइड में मैं गाइस काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी गाइस मैं आइस को ड्रॉ करने वाला हूँ एंड नीचे की साइड में मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम देकर ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस बिगिनर्स जितने भी होते हैं अपने स्केचेस आइस वगैरह ड्रॉ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। इसलिए गाइस मैं एक काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्रॉ करूँगा, एक गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम देकर ड्रॉ करूँगा। तब गाइस आप लोग देखना फाइनल रिजल्ट किस टाइप का होता है। एंड गाइस अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा आउटलाइन ड्रॉ हो चुका है। तो गाइस ऊपर में मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्रॉ करने वाला हूँ एंड नीचे में मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम देकर ड्रॉ करूँगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस मैं ऊपर की साइड में मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी सेटिंग वगैरह करने वाला हूँ, आइस को काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्रॉ करूँगा, जैसे ही गाइस बिगिनर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। पहले मैं भी बिगिनर्स था तो गाइस मैं ऐसे ही ड्रॉ करता था। तो आप लोगों को गाइस ऐसे ड्रॉ नहीं करना है अभी गाइस आप लोग इस टाइप से ड्रॉ करते हो। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को सही टेक्निक बताऊँगा कि आइस वगैरह कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर गाइस अभी मैं फटाफट सेटिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे गाइस आप लोगों को जल्दी जल्दी सेटिंग नहीं करना है एंड ब्लेंडिंग वगैरह नहीं करना है। तो अभी यहाँ ऊपर के साइड में मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्मली, जैसे बिगिनर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो आप लोगों को ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को सही टेक्निक बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है। एंड तब तक के लिए गाइस अभी देखोगे गाइस मैं कैसे ऊपर में ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मली गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि गाइस मैं ऊपर में गाइस मैंने आइस को ड्रॉ कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा मैंने जल्दी जल्दी ड्रॉ किया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल भी अच्छे से सेटिंग वगैरह नहीं हुआ है, वाइट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा पेचेस वगैरह है। तो अच्छे से गाइस मैंने डार्क वैल्यू को ऑफ नहीं किया है एंड अच्छे से स्ट्रोक्स वगैरह अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे गाइस आप लोगों को नहीं ड्रॉ करना है। अभी गाइस मैं आप लोगों को सही टेक्निक बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है। तो अभी यहाँ पर गाइस मैं नीचे में मैं काफ़ी अच्छे से सेटिंग करने वाला हूँ, लेयर्स पर सेटिंग करूँगा। तो यहाँ पर गाइस मैं सबसे पहले मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 2B का लीड है। तो सबसे पहले मैं आईबॉल को सेट कर लिया। अभी गाइस मैं ऊपर नीचे में मैं सबसे पहले फॉसेट अप्लाई करूँगा HB पेंसिल से एंड अच्छे से ऑब्जर्व करूँगा कि कहाँ पर ज़्यादा डार्क है, कहाँ पर ज़्यादा लाइट है। जहाँ पर ज़्यादा डार्क है मैं वहाँ पर थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करूँगा, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर गाइस मैं कम प्रेशर का अप्लाई करूँगा। तो आप लोगों को भी ऐसे ही गाइस स्टेप बाय स्टेप सेटिंग करना है। और गाइस मैंने ऊपर में मैंने आइस को गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लिया है, बट गाइस मैं नीचे में ऐसा नहीं करने वाला हूँ, नीचे में काफ़ी अच्छे से टाइम देकर ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ देख सकते हो गाइस मैं काफ़ी अच्छे से लाइट्स वैल्यू को, लाइट एंड डार्क्स को गाइस मैं काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके गाइस मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग गाइस अपने रेफरेंस फोटो को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना है, किधर में लाइट है किधर में डार्क है, उसके अकॉर्डिंग गाइस सेटिंग करना है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने आइस के नीचे मैं अभी फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, HB पेंसिल से मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ मेकअप ब्रश से, काफ़ी अच्छे से मैं स्लोली स्लोली ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। तो हाँ गाइस आप लोगों को भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेयर वाइज का स्ट्रोक करना है। तो यहाँ मैं ब्लेंडिंग करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड लेयर के लिए गाइस मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी गाइस ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेयर वाइज सेटिंग करना है।
तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा दोनों आइस कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर वाला आइस गैस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें मैंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम टाइम दिया है। नीचे वाले देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में लग रहा है, क्योंकि नीचे वाले में मैंने 1.5 आवर टाइम दिया है, मैंने ऊपर वाले में मैंने ओनली 1/2 आवर टाइम दिया है। तो वहाँ गैस आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग अपने स्केचेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया करो। तो हाँ गाइस, आप लोग अपने स्केचेस में टाइम वगैरह नहीं दोगे तो कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल भी अच्छे से सेटिंग वगैरह नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा पैचेस वगैरह होगा सेटिंग में। तो आई होप कि गाइस ये टोटल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।